Hey guys, welcome to my channel. My name is Bushir Dholakia and you guys are watching Amateur Reactions. So आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है. मैंने पिछले कुछ वीडियोस में ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन दिया है. मैंने सोचा कि ट्रेलर के साथ साथ जो मुझे पसंद है वो कॉमेडी है, और कॉमेडी में जब बात आती है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्टैंड अप कॉमेडी. काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट निकल रहे हैं इंडिया में. पिछले 2-3 साल की बात करें तो बहुत ही अच्छा एक लेवल बन चुका है हमारे स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन का. आज की जो वीडियो है वो है करुणेश तलवार. वी ऑल नो कि ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टैंड अप कॉमेडियन व्हेन इट कम्स टू द इंडियन शो बिजनेस. बहुत ही अच्छी उनकी स्टाइल है, बहुत ही अच्छा, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है उनका. सो आज जो उनकी वीडियो है वो है, उसका नाम है द स्टफ बाय बॉलीवुड बाय करुणेश तलवार. सो बॉलीवुड के ऊपर शायद उनकी जो है वो वीडियो होगी ऐसा मुझे लग रहा है. और काफ़ी अच्छा, मैंने जैसे बताया कि उनका स्टाइल है, और पिछले 2-3 साल से जब उनकी जो शुरू शुरू में जो वीडियो आई थी उसमें मैं देखा था काफ़ी बिनो एक मोटे से थे. उसके बाद उन्होंने अपना जो अभी है वो उन्होंने काफ़ी अपना वेट जो है वो लूज़ किया है. ये वीडियो है वो शायद 1-2 साल पुरानी है, लेकिन बिनो बॉलीवुड के ऊपर है और उनका जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है. सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है करुणेश तलवार की वो ये है कि वो खुद के ऊपर भी हंसना जानते हैं. ही नोज़ व्हेन टू क्रैक जोक एंड ही नोज़ व्हेन टू होल्ड द जोक, व्हेन टू होल्ड द पंच लाइन. दैट्स द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक when you are anything doing live shows with the audience, interacting with the audience. ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो रटा रटा के बोल के आए हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपको शफल करना आना चाहिए. एंड आई थिंक करुणेश तलवार इज़ डेफिनेटली अ मास्टर ऑन दैट. सो ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद डिस्कस करेंगे उनके वीडियो को, उनकी जो भी स्टैंड अप कॉमेडी है उसको. उनका ओरिजिनल लिंक और इस वीडियो का भी ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. सो यू मेक श्योर यू चेक आउट हिज चैनल, हिज वीडियोज, एंड यू शो सम लव एंड रिस्पेक्ट टू हिम इज़ वेल. सो ज़्यादा कुछ बात नहीं करते, लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट एंड देन वी डिस्कस द वीडियो. अ लॉट ऑफ द पीपल इन दिस रूम आर यंग. And so most of us, we grew up around the 90s, right? Right. And there are certain things that we could not have done with our lives, just considering we were born then. Like we couldn't have been astronauts. Hamare paas wo exposure tha hi nahi. Sahi. Aap socho UK aur US mein bachche kya dekh rahe the? Apollo 13, Close Encounters of the Third Kind, 2001 A Space Odyssey, E.T. We didn't have any of that. Bollywood se jab humne alien manga. तो उन्होंने हमें क्या दिया? जादू नहीं, धोखा, फरेब, एक छोटा नीला खजूर. ओ बाप रे, जिसके सर पे लाइट है. हाँ, बहुत ही अजीब दिखता था. उसके सर पे लाइट है. उसके सर पे लाइट. Yes. Your reward species is the equivalent of a fucking table lamp. उसको राकेश रोशन के कैरेक्टर ने अर्थ पे बुलाया. बुलाया. राकेश ने एलियन बुलाया. राकेश. ये 2003 की बात है. Right. तब फ्लिपकार्ट भी नहीं था. आप 2 जोड़ी सॉक्स नहीं मंगा सकते. बंदे ने गांव में एलियन मंगा लिया. Amazing, guys. Superb. Superb. You ask him, कैसे किया? Oh, Windows 73 के कंप्यूटर. Tell, 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 tell. जिसमें हरे रंग के ग्राफिक्स हैं. You can't play Dev on it. I called an alien. I just went om 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 om. That is the same tune as In Panchiyon Ko Dekh Kar. जागे हैं. एक और ट्यून तो बना ले. सही बात है. Come on, man. There are people doing unpaid internships. ये किस बात के पैसे ले रहे हैं यार? ऑडियंस देखे पागल हो गई है भाई. इन तालियों से पता चलता है कि बहुत लोग इस कमरे में अनपेड. सही बात है. फड़ास बाहर निकलती है. दिल के जज्बात बाहर निकल रहे. एक तो यार जादू कैसा एलियन? He doesn't even look like an alien. If I'm walking in a forest and I see जादू, I'm not gonna be like, oh, alien. नहीं, मैं उसके ऊपर पांव रखूंगा, उसका मुंह खोलेगा, मैं कचरा डालूंगा. ठीक है. That is honestly what he looks like.
छोटा पैकेट. एंड लुक, जादू हैज नो प्लान्स, ही हैज नो प्रायोरिटीज, ही हैज नो प्रेरोगेटिव्स. वो अर्थ पे कुछ नहीं करने आया था. वो अर्थ पे आया था फूकने के लिए बस. आई कैन प्रूव इट टू यू. कौन सा एलियन हिमाचल जाता है? तू एलियन है, यूएस के प्रेसिडेंट को मिल, दुनिया पे कब्जा कर. He's like, नहीं भाई, कसौल चलते हैं पहले. माहौल बना लिया जाए. एरिया 51 में तो फिर निकल जाएंगे. जादू वाज हाई एज फक. पीला रेनकोट पहन के ऋतिक के डस्टबिन में रह रहा है. वो भांड है. बच्चों को आसमान में उड़ा उड़ा के बास्केटबॉल खिलाया है जादू. Do you guys remember that? Yes, yes, absolutely. The most glaring error in the history of humans. बच्चे आसमान में बास्केटबॉल खेल रहे थे और किसी ने आके नहीं बोला, चिचा ये फिजिक्स और बास्केटबॉल दोनों के रूल्स के खिलाफ है, ये मैच बंद करो. They just accepted it. उधर दो कमेंटेटर थे और प्रत्युष, जैसा कि आप देख सकते हैं, भाई को याद है सब कुछ, हरा रहे हैं क्योंकि कसौली टाइगर्स 28-28 साल के 7-7 फुट के घोड़े हैं और बच्चे अभी भी बच्चे. बच्चे अभी बच्चे. जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चे इस वक्त आसमान में उड़ने लग गए हैं. काफी क्लेवर स्ट्रेटजी अपनाते हुए बच्चे. काफी यूनिक अप्रोच है ना. They just accept. ये तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे उड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है. हाँ, बच्चे तो उड़ते हैं. हाँ, उड़ते हैं, होता है. बच्चा चिड़िया एक ही बात है. आपके बच्चे नहीं उड़ रहे. डॉक्टर के पास ले जाओ, बता रहा हूँ. The alien is the most believable thing about that film. And what an alien! What an alien! He traveled across light years and galaxies. Yes. और फिर ऋतिक का चश्मा उतार के चला गया बस. He's a replacement for a LASIK operation. बाकी कुछ नहीं उखाड़ा है, कुछ नहीं उखाड़ा है ये. और एक बात बताओ यार, साइंस फिक्शन पिक्चरें हम सबने देखी है. Star Wars देखी होगी, Interstellar देखी होगी. Yeah, fantastic. उसमें कोई आलाप ले रहा था क्या? कोई लंबे चौड़े ऐसे सुर लगा रहा था क्या? That's typical Bollywood for you. तो ये एलियन वाली पिक्चर में उदित नारायण, अलका याग्निक, इनकी क्या जरूरत है? अच्छे सिंगर है, मैं मना नहीं कर रहा, पर यहाँ क्या कर रहे हैं? Right. स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर आलाप लेते हुए आया था क्या? सो देन व्हाट आर उदित एंड अलका डूइंग हियर? एलियन वाली पिक्चर में भी उदित और अलका जादू जादू बीच में एलियन से भी गवा दिया. अमेजिंग ऑब्जर्वेशन भाई, कमाल है. मुझे बुरा लगने लग गया यार. आप खुद ही सोचो, बेचारा रोज बस पकड़ के फिल्म सिटी जा रहा है. ये कैसी नौकरी है यार, क्यों छोड़ के मुझे गाना गाना है. कमर हिला रहा हूं मैं खेतों में बच्चों के साथ. सही बात है. पर ये जो फिल्म है, एक बात तो है, ये फिल्म के मेकर्स को थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा. वो लोग समझ गए कि इंडिया की इंटेलिजेंट पैसे देने वाली जनता, आप सब सिर्फ ओमो मोमोम से कन्विंस नहीं हो गए. वो ये बात जानता था, तो उसने सोचा थोड़ा और साइंस घुसाते हैं. लेट्स ऐड अनदर लेयर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू दिस. सो दे शोड दैट राकेश रोशन के घर के ऊपर दो टाटा स्काई की डिश. नीचे से कुछ हाई लेवल टेक्निकल वर्क चल रहा है. ऊपर टाटा स्काई में स्पार्किंग हो रही है. टाटा स्काई में स्पार्किंग हुई और एलियन आ गया. टाटा स्काई से एलियन आ गया. टाटा स्काई बारिश के टाइम पे बंद हो जाता है, ठीक है. मैच नहीं आ रहा, एलियन कहां से आया? ये पहला सवाल. और दूसरा सवाल, नासा वाले चूतिए हैं. सही बात. I don't get out of the house much. कुछ है ही नहीं करने. मैं भी नहीं. At best आप पिक्चर देखते. अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो निकल ही नहीं सकते. मेरा भरोसा उड़ चुका है सब अंकलों के हाथों. क्या हो गया भाई? Do you guys know पहलाज नेहलानी? Of course. The ex-chairman of the censor board. This guy said recently. Yes. That the word intercourse is a dirty word. It is a filthy word and it should not be used.
Now, intercourse is the scientific term for sex. If that is a dirty word, what are doctors supposed to say? ये बिल्ड अप देखिए सर बैठिए छोटू शुक्ला जी के लिए पानी लेके सर 17 साल हो गए ये काम करते हुए राइट एंड दिस इज स्टिल द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आपका और समय बर्बाद नहीं करूंगा सर आपकी रिपोर्ट आई साइलेंस देखिए पेशेंट इज एचआईवी पॉजिटिव क्योंकि उन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड गेस द वर्ड धाम धूम किया है यहाँ पे लिखा है कि आपने धाम धूम किया है पेशेंट मंगा देखते हैं रपारा प्रपारा प्रपारा शुरू हो जाता है और आगे से में जरा सोच समझ के मजाक मजाक में अब्दुल रजाक होना पड़ेगा वरना ये नौबत फिर से आ सकती है मजाक मजाक में अब्दुल रजाक There's a reason why I bring that up though. It's because it's very tiring to see how we live in an environment where adults tell other adults what they can and cannot do. Like aap picture dekhne jao, aapko bolenge cigarette mat peena. Dhanyawad. Dabang 2 ke pehle meri aankhein kholne ke liye. Ab picture dekh lo. I was watching a war movie recently. And there was a guy in this film, a soldier, who's smoking a cigarette. A warning comes up that says cigarette smoking is injurious to health. There is a war going on. That cigarette is the safest thing on screen right now. That's the truth. If you compare it to tanks and bullets, yeah, and the bombs, cigarette is like green tea. It is healthy. और ये कहाँ का logic है यार ऊपर से bomb गिर रहे हैं बंदा सुट्टा भी नहीं मारेगा. Oh, what do you want him to think? सामने से गोलियाँ चल रही हैं. हो सकता है ये उसकी आखिरी इच्छा हो. Cancer ना हो जाए. युद्ध तो होते रहेंगे सर पर कर्क रोग जानलेवा है ये नहीं होना चाहिए ओके हो भाई करुणेश तलवार क्या तो भाई मचाई है बंदे ने मतलब एकदम फाड़ के आया था आज की सबके लिए नहीं है बस और जिस तरह से उसने स्टार्ट किया वो बॉलीवुड का फिर वो ओम 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 जिस तरह से उसने बोला कि राकेश ने एलियन बुलाया इतनी फैंटास्टिक वो तो मैं बार बार देख सकता हूँ मतलब बहुत ही अच्छा बहुत ही कमाल का वीडियो था आई थिंक इस तरह के स्टैंड अप रूटीन जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है ओरिजिनल है वही चीज़ें जो हम लोगों ने बचपन में देखी है 90s की उन्होंने बात की 90s के हम सब बच्चे हैं यार आई थिंक 90s का वो जो ज़माना है वो क्या कमाल का ज़माना था और उस पर ये छोटी छोटी बातें कि कोई मिल गया कि वक्त वो जो एक ही धुन थी ओम ओम उसका फिर वही गाने में यूज़ किया उसके बाद जो आलाप की बात की वो भी कमाल की बात है यार आई थिंक फैंटास्टिक करुणेश तलवार हेड्स अप टू यू मैन आई थिंक यू गाइस यू डन फैंटास्टिक जॉब यू नो तुम्हारा एक लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा बहुत ही अलग लेवल है और मुझे लगता है कि आई थिंक यू आर वन ऑफ द लीडिंग स्टैंड अप कॉमेडियन इन द कंट्री राइट नाउ बहुत सारे हैं ऑफकोर्स अतुल खत्री है जाकिर खान है अभिषेक उपमन्यु है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन इंडिया में हैं बट आई थिंक करुणेश तलवार उनकी अपनी एक खुद की स्टाइल है अपना एक खुद का एक एक मोजो है एंड आई गेस ही इज़ समवन हु नोज यू नो हाउ टू होल्ड द ऑडियंस यू नो वो देखिए मैंने जैसे कहा कि वो उन्होंने कहा कि आप इंटरकोर्स वर्ड यूज़ नहीं कर सकते तो वो जो उन्होंने बिल्डअप किया है वो 2-3 मिनट के लिए एकदम सन्नाटा था उसके बाद उन्होंने जिस तरह से वो स्मूद आउट किया कि कपागप कपागप प्रपारप प्रपारप और फैंटास्टिक आई थिंक यू नो मुझे तो बहुत मज़ा आया आई एम श्योर आपको भी मज़ा आएगा ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो था सो मैं ज़्यादा बोल बच्चन करके आपका वक्त ही बर्बाद करूँगा आई थिंक जो भी इस वीडियो को देखना है मुझे आई एम श्योर कि उनको पसंद ही आया होगा अगर नहीं आया तो फिर ठीक है अपनी अपनी चॉइस होती है लेकिन मुझे तो काफ़ी मज़ा आया आप भी बताइए कि आपको मज़ा आया नहीं यू गैस मेक श्योर कि कमेंट में मुझे बताएं ऑल्सो अगर आपके पास कोई और रिकमेंडेशन है मेरे लिए सो यू प्लीज़ लेट मी नो क्योंकि मुझे यू नो इस तरह के वीडियोस देखना बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिएक्शन है वो ओरिजिनल रहे तो कोई नई अगर वीडियो होगी सो आई वुड बी हैप्पी टू रिएक्ट ऑन दोज वीडियोज़ इज़ वेल और जैसे कि मैंने बताया कि करुणेश तलवार की वीडियो और उनका
चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही में आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि मेरा जो ये रिएक्शन है वो किस तरह से रहा है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, सो प्लीज़ लेट मी नो। एंड या इफ़ यू लाइक मी माई कंटेंट एंड माई रिएक्शन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो यू नो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड द वीडियो। आई होप वी विल हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड। सो या आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। यू गाइज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय। टेक केयर।